हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आज हम अपनी एमएसएमई सीरीज में एक नया वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट की जो नई अनाउंसमेंट है, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी है और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। आइए जानते हैं। तो जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड की है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर मिशन के थ्रू एमएसएमई सेक्टर को बहुत बूस्ट दिया है, बहुत लाइमलाइट में ये सेक्टर आया है। तो वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लाए हैं, जिसमें एमएसएमई एक्ट को अप्रूवल दे दी गई है और अब यूपी स्टेट में आप अपना एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस 72 आवर्स में सेटअप कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन ही इसमें अप्रूवल सारी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एनओसी कैसे लेनी होगी अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आपको कोई भी एनओसी नहीं लेनी है अलग अलग डिपार्टमेंट से 900 डेज तक। जी हाँ, 900 डेज तक आपको कोई भी एनओसी नहीं लेनी है, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज़ की हो या फिर कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे आप अपने 72 आवर्स में आपका जो बिजनेस है उसको अप्रूवल मिल जाएगी, आप उस बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर मिशन के थ्रू, जो कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, यानी कि जो एमएसएमई में आपको मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में आप रजिस्टर हो गए, तो कुछ प्रोडक्ट्स को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, जिसमें से एक है टोबैको का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, पान मसाला, गुटखा, अल्कोहल, एरेटेड ड्रिंक्स और जो पॉली बैग्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो फायरवर्क्स है, जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे की फैक्ट्री लगाते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को देखते हुए और सोशल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको भी देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है और एमएसएमई सेक्टर को एक बूस्ट दिया गया है। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अप्रूवल आपको 72 आवर्स में तभी मिलेगी अगर आप उनके स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन फिल करके देखते हो और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी वो आप उनको प्रोवाइड करोगे। अगर डॉक्यूमेंट्स में ज़रा सी भी कोई कमी आती है तो ये अप्रूवल रिजेक्ट भी हो सकती है। ये अनाउंसमेंट कल ही की गई है, तो अभी इसकी जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कैसे ये चीज़ें प्रोसेस होंगी, इस पर अभी डिटेलिंग आना बाकी है गवर्नमेंट की तरफ से। बट ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो बिजनेस हाउसेज को एक बड़ा बूस्ट देती हैं कि वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में अपना बिजनेस सेटअप कर सकें और यूपी की जो अनएम्प्लॉयमेंट है या यूपी का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको बढ़ाने में भी मदद करेंगी। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट यूपी गवर्नमेंट ने करी है जो कि प्रपोज्ड है, बट ये आने वाले फ्यूचर में आपको भी मिल सकती है। स्टार्टअप जो स्कीम है 2020 यूपी गवर्नमेंट की, उसके तहत आपको 5 लाख तक की मार्केटिंग बिजनेस में जो आप मार्केटिंग करते हो उसके लिए आपको 5 लाख तक का बजट अलॉट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप कुछ नए आइडियाज़ ले रहे हो या फिर वो आप गवर्नमेंट को बता सकते हो कि वो कैसे इम्पैक्ट डालेंगे इंडिया की इकोनॉमी पे या इंडिया की ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे आपको ये मार्केटिंग स्कीम के लिए ये बजट अलॉट हो सकता है और आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में लगा सकते हो, अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो, स्टेट की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो और कंट्री की ग्रोथ में भी हेल्प कर सकते हो। तो ये अनाउंसमेंट थी। अब इस अनाउंसमेंट में जैसे जैसे जो जो अपडेट आएगा मैं आपको उससे अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, उसमें क्या क्या आपको फॉर्मेट होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, वो सारी डिटेल्स मैं आगे आने वाली वीडियो में देता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ नई बात करी गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्लैप्स इंडिया को, जो कि आपको ऐसी नई नई अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता है। थैंक यू।